हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है और मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मन के कैंसर के बारे में, जिसको स्किजोफ्रेनिया कहा जाता है। इसमें अलग अलग लक्षण एक साथ ही एक ही आदमी में दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो विचारों में विकार आता है, या फिर भ्रम होते रहते हैं अलग अलग तरह के, या फिर बर्ताव जो है वो भी बराबर होता नहीं है। कानों में आवाज आएंगे कोई आसपास नहीं होने के बावजूद भी, कुछ दिखाई देगा कोई सामने नहीं है तभी भी, या चमड़ी का भ्रम होगा कि कुछ तो भी कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, इस तरह का विचारों का भ्रम भी होते रहता है। उसकी भावना जो है वो एक तो बहुत उग्र स्वरूप धारण कर लेती है, बहुत ज़्यादा भावना हो जाती है। अपने आप से बातें करना चालू करेगा, बड़बड़ करेगा अपने आप से, हाथ ऐसे करेगा तो जैसे कि इस किससे वो बात कर रहा है, नींद अच्छी नहीं आएंगी। यदि लक्षण 6 महीने तक होते हैं तो उसको स्किजोफ्रेनिया मतलब मन का कैंसर कहा जाता है या उसको डायग्नोस किया जाता है। 10 साल से लेके 65 साल तक ये टाइम पीरियड में बीमारी होती है, मतलब 10 साल के नीचे और 65 साल के ऊपर बहुत कम दिखाई देती बीमारी। ये लोगों को तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, उसकी आदत ज्यादा रहती है। पालक में से, माँ बाप में से यदि कोई भी एक यदि इसका शिकार है तो 12% चांस बच्चों का है कि वह ऐसी बीमारी उनको लग जाएगी, और यदि माँ बाप दोनों को ये बीमारी है तो 40% चांस है कि बच्चों को बीमारी हो जाएंगी। आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।